दोस्तों, जासूसी किताबों से लेकर जासूसी फिल्में देखने तक आप लोगों ने सब कुछ किया होगा, लेकिन क्या आप भारत के उन जासूसों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर देश को बचाया? क्या आपको मालूम है कि उनकी कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से बहुत ज्यादा अनोखी और शानदार है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और साथ ही आपको बुरा भी लगेगा, क्योंकि देश के लिए दुश्मनों के बीच जाकर मौत से खेलने वाले इन जासूसों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जो जंग के मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों को मिलता है। सहमत खान। दोस्तों, सहमत खान उस अंडरकवर एजेंट का बदला हुआ नाम है जिसने अपनी अमीरी भरी जिंदगी छोड़कर देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला लिया और साल 1971 के दौरान होने वाले पाकिस्तान भारत युद्ध में पाकिस्तान जाकर भारत की जासूसी करी और इनकी जिंदगी पर आलिया भट्ट की राजी मूवी बनाई गई है। असल में सहमत खान कश्मीर के एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी जिनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून ने इन्हें पाकिस्तान भेज दिया। अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए सहमत ने पाकिस्तान के एक बड़े आर्मी ऑफिसर से शादी की थी ताकि वो आसानी से पाकिस्तान में रह सकें। इनके ऊपर बनी राजीव फिल्म में तो आपने बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन असल जिंदगी में सहमत खान ने उनसे भी कई ज्यादा जोखिम उठाया था। सहमत खान ने ही भारत को ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तान INS विराट को खतरा पहुंचाना चाहता है और सहमत द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसकी वजह से एक साथ हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। अपना मिशन पूरा करने के बाद सहमत खान जब भारत वापस लौटी तो वो प्रेग्नेंट थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब वही बेटा भारतीय आर्मी में काम कर रहा है, रविंद्र कौशिक। आइए अब एक ऐसे जासूस के बारे में बताते हैं जिसे ब्लैक टाइगर कहकर बुलाया जाता था। राजस्थान के गंगानगर में जन्मे रविंद्र शुरुआत से ही एक्टिंग का बड़ा शौक रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए थिएटर ज्वाइन कर लिया। लखनऊ में एक दिन थिएटर में एक्टिंग करने के दौरान ही रॉ के अफसरों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने रविंद्र को भी सीक्रेट एजेंसी रॉ का हिस्सा बनने के लिए कहा और अफसरों के इस ऑफर को सुनकर रविंद्र ने भी हाँ कर दी। पहले 2 साल इन्हें ट्रेनिंग दी गई जिसमें इन्हें उर्दू इस्लामी धर्म ग्रंथ और पाकिस्तान के तौर तरीकों के बारे में बताया जा रहा था और फिर साल 1975 में मात्र 23 साल के रविंद्र अपना मिशन पूरा करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में रविंद्र ने नबी अहमद शाकर नाम से अपनी एक नई पहचान बनाई। पहले तो रविंद्र ने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करी और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की लड़की अमानत से शादी भी कर ली ताकि कोई भी उनके ऊपर शक न करे। पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्र ने पाकिस्तान आर्मी में हिस्सा लिया और फिर वहां से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, रविंद्र अकेले सब संभाल रहे थे, लेकिन फिर 1985 में रॉ के एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया और उसी एजेंट की वजह से पाकिस्तान को रविंद्र कौशिक के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। तभी कुछ सालों बाद अचानक से खबर आई कि जेल के अंदर टीबी के कारण रविंद्र की मौत हो गई। सरस्वती राजमणि। दोस्तों, जब हमारे समाज में महिलाओं को पर्दे से निकलने की भी इजाजत नहीं थी, तब सरस्वती राजमणि ने वो करके दिखाया जो आज मिसाल बनी हुई है। ये वो महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। सरस्वती जी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी, इसी के चलते मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने नेताजी की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया। फौज के अंदर इनके बेहतरीन काम को देखते हुए इन्हें इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भर्ती कर लिया गया, जिसके बाद वो हमारे देश की इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। सरस्वती इतनी ज्यादा शातिर थी कि वो लड़कों का भेष धारण करके अंग्रेजों की खुफिया जानकारी हासिल करने का काम करती थी। ये काम उन्होंने 2 साल तक किया। आजादी की लड़ाई में सरस्वती जी ने कई महत्वपूर्ण काम किए और फिर इनके साथ जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक बार इनके एक साथी को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सरस्वती इतनी हिम्मत वाली थी कि ये डांसर के रूप में वहां पहुंची और अपने साथी को छुड़ाने में भी कामयाब हुई। इस दौरान इनके पैर में गोली लगी, लेकिन खुद को बचाने के लिए ये पूरे 3 दिनों तक भूखी प्यासी पड़ी रही, तब जाकर इन्हें सुरक्षित कैंप तक पहुंचाया गया। मोहनलाल भास्कर। पाकिस्तान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने लाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहनलाल भास्कर एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये कितने बड़े हीरो थे। सबसे पहले तो मोहनलाल भास्कर ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद असलम रख लिया ताकि कोई चाहकर भी उनके ऊपर पाकिस्तान में शक न कर सके। साल 1967 में मोहनलाल भास्कर अपने पहले मिशन के लिए निकले। इस मिशन के दौरान इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए भास्कर
लश्कर ने एक साल के अंदर ही 15 से भी ज्यादा बार बहुत ही खुफिया तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस किया, जो कि अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। और ये इसी तरह अपना काम जाबाजी से करते रहते, लेकिन फिर साल 1968 में उनके एक साथी ने उन्हें धोखा दे दिया, जिस वजह से उनकी सारी सच्चाई पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आ गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पकड़े जाने पर 14 साल जेल में बिताने के बाद भास्कर को भारत और पाकिस्तान के बीच कैदी एक्सचेंज के दौरान सन 1974 में आजाद कर दिया गया। अजीत डोभाल। अब हम एक ऐसे जासूस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। एक वक्त पहले अजीत डोभाल भारत के बहुत बड़े जासूस हुआ करते थे, पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अजीत डोभाल जासूस होने से पहले आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। ऐसे में अगर वो चाहते तो एक आईपीएस के रूप में भारत की सेवा कर सकते थे, जिसके लिए उन्हें इतना ज्यादा खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अजीत डोभाल अलग ही मिट्टी के बने थे, जिन्होंने देश के लिए जासूस बनने का फैसला लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की सेवा में लग गए। अजीत डोभाल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम के तौर पर पाकिस्तान के अंदर 7 सालों का वक्त बिताया, जिसके बाद पाकिस्तान चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपना काम पूरा करने के बाद वो पाकिस्तान में ही इंडियन हाई कमिश्नर बना दिए गए और फिर 6 सालों तक इसी पोस्ट में काम करने के बाद वो वापस भारत लौटते हैं और आज ये किस मुकाम पर है वो तो आप सभी जानते ही है। कश्मीर सिंह। पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर सिंह की होशियारी को पूरा भारत सलाम करता है। साल 1969 में पहली बार पाकिस्तान गए कश्मीर सिंह ने ही पाकिस्तान को चाइना से मिले गोला बारूद के बारे में बताया, जहां अपनी फोटोग्राफी के हुनर का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर सिंह ने खुफिया तरीके से पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों की फोटो खींचकर भारत तक पहुंचाई, जिससे 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की जीत सुनिश्चित हो गई। मोहम्मद अब्राहम के नाम से पाकिस्तान में कदम रखने वाले कश्मीर सिंह ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया कि भारत वापस आने से पहले उन्हें 35 सालों तक पाकिस्तान की जेल में बिना किसी को देखे एक अंधेरे कमरे में गुजारना पड़ा। जी हाँ, कश्मीर सिंह हथियार और जरूरी तस्वीर लेकर भारत पहुंचने के लिए बॉर्डर क्रॉस करते थे। एक दिन जासूसी मिशन से वापस आते समय उन्हें पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया और कई सालों तक लगातार थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया और भारत के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन सभी तरह के दर्द सहने के बावजूद कश्मीर सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये कभी पता नहीं कर पाया कि कश्मीर सिंह भारत के लिए ही जासूसी करते थे और अंत में पाकिस्तान की सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे जाबाज जासूस जिनकी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। अब आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।